वेलकम टू मसाला चम्मच। मैं आपकी इताली आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं हमारे आलू के पकोड़े, जो बहुत ही टेस्टी होते हैं और बारिश का टाइम चल रहा है तो ये तो हमें बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। तो सीखते हैं। हमारे बिल्कुल यूनिक स्टाइल से फ्लफी फ्लफी से पकौड़े बनाना है, जिसके लिए मैंने 100 ग्राम बेसन ले लिया है। कुछ बहुत ही सिंपल मसाले लिए हैं, जैसे जिसमें लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा, सफ़ेद नमक, हींग, धनिया पाउडर, आप चाहें तो थोड़ी सी अजवाइन भी ले सकते हैं अगर आपको डाइजेशन का इशू है तो। और ये मैंने 3 से 4 एकदम वॉश करके अच्छे से आलू ले लिए हैं। पानी लिया है, एक डोंगा लिया है और मैंने नाइफ लिया है अपने आलू को काटने के लिए। दिखाऊंगी ये किस शेप में काटना, और इस तरीके का मैंने विस्कर इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो चमचे से भी फेंट सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बेसन को इसमें कर लूँगी। तो आप हमेशा जब भी अपने पकौड़े बनाएं तो उसको हमेशा एक चौड़े बर्तन में ही उसके घोल को, उसको बैटर को रेडी करें। अगर इस तरीके का विस्कर है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे ना लम्स एकदम तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। बहुत ही स्मूथ हमारा बैटर बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा है, जैसे हम इसको बीट करते हैं उसी हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा फ्लपीनेस भी आने लगती है। अब देखिए, मेरे अच्छे से मैंने जो भी लम्स वगैरह थे बेसन के वो अच्छे से इसमें मिटा लिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसको अच्छा सा, एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी का, जैसी हमारी पकौड़े के लिए होनी चाहिए उसी कंसिस्टेंसी का मैं इसको तैयार कर रही हूँ। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और देखिए इस तरीके का आपका बैटर होना चाहिए। अब मैंने इसमें अपने एक बेसन के अकॉर्डिंग ही मैंने अपने मसालों की प्रॉपर क्वांटिटी ली थी वही डाला है, और मैंने जीरे को हल्का सा क्रश करके डाला है ताकि उसकी महक हमारे पकौड़े में बहुत अच्छे से आए। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे ढककर, ताकि इसका अच्छे से फ्लेवर मसालों का हमारे बेसन में मिल जाए और बहुत ज़्यादा फ्लपी हमारा बनकर तैयार हो। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ आपको आलू किस थिकनेस के काटने हैं, ताकि आपके पकोड़े एकदम, जैसे आलू अलग, बेसन की लेयर जो होती है वो अलग, इस तरीके के बने। आप चाहें तो बड़े आलू भी ले सकते हैं, मेरे पास इसी साइज़ के थे इसलिए मैंने इसी साइज़ के आलू का इस्तेमाल किया। अच्छे से इनको वॉश कर लेंगे, क्योंकि हमारे आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो 2-3 बार आप इनको आराम से वॉश कर लें, और उसके बाद इस तरीके से किसी भी कॉटन टॉवल पर, कॉटन हैंकी पर अपने सारे आलू को अच्छे से पोंछ लें। इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी पानी नहीं होना चाहिए। आप देख रहे होंगे हैंकी किस तरीके से हमारा ये गीला हो गया है, और सोचो यही चीज़ जब हमारे पकौड़ों में जाती है तो हमारे पकौड़े बाजार जैसे बनते नहीं हैं। ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। मैंने इसमें हरा धनिया डाला है, आप हरी मिर्च डाल सकते हैं, और जो भी चीज़, अगर आपको हरा धनिया नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो पुदीना लीव्स भी डाल सकते हैं, ताकि आप इस रेसिपी को। एक एक आलू लेंगे इसको फेंटने के बाद, और इसमें एक स्पून पे लेके इस तरीके से अपने कढ़ाई में डालेंगे। अब मैंने एक ऑयल को गर्म होने रख दिया है, और मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है, आप चाहें तो छेद वाली छलनी, जिसको बोलते हैं पौनिया बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है आपका ऑयल हमेशा मीडियम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा लो। अगर आपका मीडियम हॉट होगा तो इस तरीके से देखिए एकदम, जैसे मैंने आपको कहा था, बहुत ज़्यादा फ्लफी बनेंगे, और आप देख रहे हैं डालते ही बहुत जल्दी ये ऊपर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा फ्लपी क्रंची इस तरीके के बनने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने एक एक पीस डाला है, आप इस तरीके से डाल सकते हैं, और देखिए ये अपने आप कितनी जल्दी 4 से 5 मिनट में ही बनकर तैयार होने वाले हैं, और मैं फॉक की हेल्प से इनको पलट देंगे। आप चाहें तो सिंगल सिंगल पीस भी कर सकते हैं, जैसे कुछ पीस जॉइंट हो गए हैं, और वैसे जैसे जो मैंने सिंगल सिंगल डाले थे वो सिंगल सिंगल ही हैं। और कंप्लीट 5 to 7 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर बनने में लगता है, तो उस तरीके से आप बनाएं। और आप चाहें तो तेल में भी इनको बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन तेल बहुत हेल्दी होता है तो आप उसी में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए मुझे बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन थोड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने उसी तरीके के बनाए। आप चाहें तो इनको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़े क्रंची और हल्के गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं, और ईजिली मेरे कितने क्यूट, कितने फ्लफी लग रहे हैं।
तो मेरे परफेक्टली तैयार हैं। मेरे पास जो और बचे हैं मैं उसी तरीके से इनको निकाल लूंगी और मैं इनको एक टिश्यू पेपर पे किचन टॉवल पे निकालूंगी। अब देखो मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए मेरा आलू, ऊपर का मेरा बेसन का लेयर कितना ज़्यादा फ्लफी है। मैं आपको दूसरा पीस भी दिखाती हूँ। परफेक्टली मेरे ये पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब मैंने इन पर हल्का सा चाट मसाला डाल दिया, आप इनको खाएं कभी भी बारिश के टाइम में, सर्दियों के टाइम में, गेस्ट आने पर एंजॉय करें। मेरे बहुत ही सिंपल छोटी छोटी टिप्स के साथ बताए गए आलू के पकौड़े आप जरूर बनाएगा। और भी कोई रेसिपी आप बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।